पिताजी के लिए। वेलकम टू माई चैनल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुबह का समय हो चुका है दोस्तों, घर का सारा काम निपटा चुकी हूँ, बस मंदिर में पोछा लगाऊंगी और एक दीपक जलाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पितरों में पूजा नहीं किया जाता है, लोग बोलते हैं, तो सिर्फ एक दिया ही जला के और हाथ जोड़ लूँगी मंदिर में। कैसे हैं आप लोग, ऐसा करके आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज पितृ सनन है, जो लास्ट होता है पितरों का अमावस्या। मेरे ससुर जी का आज श्राद्ध है, तो आज उसी का पकवान वकवान बनेगा और वही सब मेरे हस्बैंड चढ़ाएंगे। और अभी मैं पूजा क्या, मंदिर में सिर्फ पोछा लगा के दीपक जला दिया है, क्योंकि पूजा नहीं करना होता है हमारे यहाँ, तो पूजा नहीं करते हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ किचन में दोस्तों, जो बनाना है वो सब बना लेते हैं पकवानों का, उसके बाद छत पे मेरे हस्बैंड जाएंगे, तो जिस तरीके से पूजा वूजा होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो में बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, मैंने इतने सारे कपड़े धो लिए हैं अभी सुबह सुबह, सिर्फ फैलाना है, तो फैलाने का मेरे पास समय नहीं है फिलहाल, अभी मैं किचन में दोस्तों। ये चने का दाल रात को भिगाया हुआ था, धो के रख गया है, ये धो गया है, ये आलू काट के रख दिया है और इधर गोभी काट के रख गया, ये सब मेरी सासू माँ ने तैयारी कर दिया है। और अब मैं चलती हूँ गैस पर ये चने का दाल छौंकने के लिए, क्योंकि इसका बनेगा चने के दाल की पूरी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने गैस पर ना अपना कढ़ाई रख दिया, इसमें सरसों का तेल डाल दिया, ये चने का दाल मैंने ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर लहसुन हरी मिर्च और जीरा है, तो जीरे का तड़का दूँगी। और ये है, और देखिए सेवैयाँ भी आके बन के रखा गया है, ये साफ नमक साफ ही हल्दी है, सब कुछ साफ साफ यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ दोस्तों मैं दाल को छौंक रही हूँ, चने का दाल छौंक दूंगी, तो उसके बाद ये जब हो जाएगा तो इसका दाल की पूरी बनता है। तो मैंने लहसुन मिर्च डाल के वही दाल डाल दिया है, हल्दी नमक बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। और यहाँ पे ना मैं धोइया पीसने जा रही हूँ रिकवच बनाने के लिए, थोड़ा सा बाड़ा बनाने के लिए, तो जो धोइया होता नहीं है उसी की मैं मिक्सर में पीस रही हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं ही बना रही हूँ सब कुछ। और यहाँ पे ये मैंने धोया पीस कर रखा है, रिकवच के लिए दाल की पूरी भी पीस रखा है, ये रिकवच मिल के तैयार हो गया, रिजोकल मेरी सासू माँ ने लपेटा था, यहाँ मेरी देवरानी पूरी छान रही है। और यहाँ पे देखिए, अरे यार मेरा मन कर रहा है ना कि बड़े पापा कैसे कैसे पूजा कर रहे हैं ना, वही बनाऊँ। इसी ये मेरी देवरानी का बेटा है, एक एक बात बोलता रहता है, बस सुनते रहिए। उसका भी खाने का मन कर रहा है, बेचारे का आया है घूमते घूमते खाने। कबूतर भी घूम रहा है, कबूतर का भी बना देते हैं। काटने वाला है, बड़ा वाला भी बहुत तेज़, मोटे भी होते हैं। सही बात है, इतने धूप में आके हम लोग बाबा के लिए पूजा कर रहे हैं। बाबा आके खाना खा लेना, बोल दो बाबा आपके लिए खाना रखा है, आके खा लेना। नहीं थोड़ी थोड़ी नीचे, हाँ थोड़ी थोड़ी कुछ चीज। सही बात है, काले हो जाएंगे, गोरे से हम लोग काले हो जाएंगे इस धूप में। अरे बाबा तो हो ही गए, वो भी दोस्तों। देखिए यहाँ पे इतनी तेज़ धूप में हस्बैंड जी अपने पिताजी के लिए पितृ विसर्जन कर रहे हैं, मतलब उनके लिए खाना निकाल रहे हैं, और बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे। तो यहाँ पे पितरों की पूजा हो चुकी है दोस्तों, अब हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को खाना दे देती हूँ नाश्ता करने के लिए। और ये हमारी देवरानी है सबसे छोटी वाली, मतलब खाना बना रही हैं। और ये देखिए सारे बर्तन उतर पड़े हैं, सबको धोलना है, सतोरे किचन ही फैला हुआ है। तो आपने देखा ऊपर मेरे हस्बैंड किस तरीके से पिता विसर्जन किए अपने पिताजी के लिए, और किचन में सारा काम कर लिया है दोस्तों। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं पूरा नहीं दिखाना चाह रही थी, और अभी मैं ना सारा काम निपटा कर यही आके बैठी हूँ। और कपड़े बहुत सारे मैंने आज धो रखे, क्योंकि कल से नवरात्र चालू हो जाएंगे, आज शनिवार था कल संडे है, तो कल से नवरात्र में चालू हो जाएंगे, तो समय नहीं मिलेगा, तो इसलिए आज कपड़े मैंने धुल लिए हैं। अभी मुझे मंदिर साफ़ करना है, तो मंदिर का वीडियो मैं दूसरा बनाऊंगी, क्योंकि मंदिर का वीडियो बनाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो पड़ जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं कपड़े।
ये देखिए दोस्तों, ये मोटे मोटे कंबल चद्दर, और ये सब चद्दरें ना मैंने धो के डाल दिए हैं, सूखते रहेंगे। बहुत सारे कपड़े इधर उधर भी डाल रखे हैं थोड़ा, और मेरे घर का मंदिर का दीपक अभी जल रहा है दोस्तों, इसे भी साफ़ करना। देखिए कितना गंदा हुआ है, पूरी सफाई करनी है। कुछ इधर भी कपड़े डाल, सारे कपड़े अपने नीचे ही डाल लेती, धूप में नहीं जाने का मन करता है क्योंकि कपड़े सूख जाते हैं मेरे आराम से नीचे, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो दोस्तों और क्या करूँ, वीडियो को नहीं, नाश्ता कर लेती हूँ, चलती हूँ। चलिए दोस्तों, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए और पकवान खाइए। देखिए हम क्या बना, ये देखिए दोस्तों हमारा नाश्ता, ये सेवैयाँ है, ये सब्जी आलू गोभी मटर की, ये भरवी पूड़ी है चने की दाल की, और ये बारा है, ये रिकवच है, और दाल चावल भी बना है, और एक करेले की सब्जी बना है। लेकिन ये मैंने नाश्ता लिया है, मतलब पितर विसर्जन के लिए सब निकल बना हुआ था दोस्तों। तो अभी चलती हूँ मैं नाश्ता। वो दोस्तों अभी चल रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो दोस्तों ये है सेवैयाँ, आप लोग भी खाइए, प्लीज़ बताइए कैसा बना है दोस्तों। ये नाश्ता है मेरा, और चल रही हूँ दोस्तों नाश्ता करने के लिए, उसके बाद आगे दिखाते हैं कुछ हो दिखाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बर्तन धुलाई कर रही हूँ, कुछ बर्तन मेरी देवरानी धो चुकी थी, और पीछे से जो और बाकी बर्तन थे वो मैं धुलाई कर लूँ। ये न सब नाश्ते के बर्तन हैं, बाकी भी खाना खाने के बाद और भी बर्तन होंगे। तो यहाँ पे दिन भर बर्तन लगा रहता है, थोड़ा मैं धो लेती हूँ, थोड़ा देवरानी धो लेती है, थोड़ी मेरी माता जी धो लेती है, थोड़ा थोड़ा करके सभी लोग हेल्प हो जाता है इस तरीके से। इतना सारा एप्पल आया हुआ है, इसके नीचे भी एप्पल है, ये देखिए बहुत सारा एप्पल आया है। एक लोग आए हैं ना, वही लेके आए हैं दोस्त में। तो नाश्ता भी हो चुका है, बर्तन भी धुलाई कर ली हूँ, मतलब बहुत सारा काम मैंने निपटा लिया है। चलते हैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, फिर दूसरी वीडियो बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज ही का समय है। तो वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको वो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। गर्मी के मारे क्या हालत हो गई देखिए दोस्तों।